तो इन दोनों सेल को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है आपका कॉनकैटेनेट फॉर्मूला। इसके जरिए हम आपस में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया एंड कोई सेपरेटर देना चाहते हैं जैसे ये स्पेस वगैरह, तो इन्वर्टेड कॉमा में आप दे सकते हैं क्योंकि वो टेक्स्ट है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा। फिर कॉमा आप दूसरा टेक्स्ट, ऐसे तीसरा चौथा पांचवा आप सिलेक्ट कर सकते। ठीक है, लेकिन इसका एक और दूसरा तरीका होता है जिसको यूज करते हैं हम। एन परसेंट का, हम लोग एन परसेंट का इस्तेमाल करके ही इसको यूज कर सकते हैं। एन परसेंट मतलब कि इसको सिलेक्ट, एक मैं नीचे में डालता हूं, नीचे डाला और यहां पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, एन परसेंट का साइन लगाया, एन स्पेस दिया और अगेन एन परसेंट का साइन लगाया और इसको सिलेक्ट कर लिया, तो भी ये ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहां होती है, जैसे कि हम डेट लिखते हैं, जैसे हमने यहां पे लिखा डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ लिविंग। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान लीजिए कि मैं 1 जुलाई का था और जॉब मैं आज छोड़ रहा हूं, तो मुझे यहां पे इस तरह से चाहिए कि इन दोनों के बीच में इस तरह से चाहिए। कि इसमें टू लग जाए कि वर्किंग फ्रॉम करके एक होता है ना वर्ड, वो लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए यहां पे हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे वर्किंग फ्रॉम, फिर कॉनकेटेनेट के जरिए मतलब या फिर एन परसेंट के जरिए हम पहले डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर एन परसेंट लगाएंगे और स्पेस टू टू और अगेन स्पेस और एन परसेंट हम डेट ऑफ लिविंग को लगा के एंटर मारेंगे। सब तो ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए क्या प्रॉब्लम है। ये नंबर दिख रहा है आपको सर? जी सर जी, वो जो है डेट को जो है वो कन्वर्ट कर रहा है टेक्स्ट में ना, नहीं, वैल्यू फॉर्मेट में टेक्स्ट में। बेसिकली बेसिकली इसकी मेथड को समझिए। इसका मेथड एक आता है कि जब भी आप कोई ये करते हो, मतलब कि जब भी आप जो है कोई फॉर्मूला लगाते हो तो उसकी एक्चुअल वैल्यू पे फॉर्मूला लगती है,
समझे, एक्चुअल वैल्यू पे फॉर्मा लगती है। सर 2 मिनट दीजिए, मैं 2 मिनट में आया। सर हम कह रहे थे कि जब भी आप फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला में क्या होता है कि आपका जो ये है, मतलब कि एक्चुअल वैल्यू है ना, उस एक्चुअल वैल्यू के बिहाफ पे ही आपका ये दिखाता है, मतलब कि वैल्यू शो करता है, ठीक है ना, फॉर्मूला लगता है। तो इसका जो एक्चुअल नंबर है वो क्या है, एक्चुअल क्या है उसका नंबर है, तो इसलिए यहां पे आपका उसका नंबर दिख रहा है आपको, ठीक है। हेलो सर, आपकी आवाज भी ब्रेक नहीं, बिल्कुल आवाज बिल्कुल सही आ रही सर, मैंने म्यूट किया हुआ है। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम आ गई कि इसमें इस तरह का प्रॉब्लम आ गई कि क्योंकि नंबर जो ये होता है वो नंबर फॉर्मेट में होता है ना, जो हमारा ये क्या बोलते हैं डेट होता है, डेट को एक्चुअली नंबर में स्टोर करता है ना सिस्टम, इसलिए यहाँ पे इस तरह का चीजें आपको दिख रही है। इसका सर वो फार्मूला बता दीजिएगा उसको, किस तरह आप कर रहे हैं ताकि मैं इसको नोट कर लूँ। फार्मूला बस हमने कॉन्करा नेट लगाया, कुछ नहीं किया। हमने फार्मूला में जस्ट कॉन्करा नेट का फार्मूला लगाया। अब यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर आपको कभी डेट पे कॉन्करेट करना हुआ तो आप टेक्स्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, टेक्स्ट इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे DDD/MMMM/YYY, ये आपका डेट जो है इस फॉर्मेट में आएगा। अब हम कॉन्करेट करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी, पूरा एक्चुअल आएगा, ठीक है। एक बार फिर से करके दिखाइए किस तरह की आपने। हमने टेक्स्ट फॉर्मूला लगाया यहां पे, देखिए टेक्स्ट फॉर्मूला लगाया। टेक्स्ट फॉर्मूले में कस्टम फॉर्मेटिंग पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, कस्टम फॉर्मेटिंग में जरिए हमने इस्तेमाल किए थे। जी बिल्कुल याद है, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है सर, और फिर दोनों में टेक्स्ट कर देंगे, जैसे जैसे हम कॉन्करेंट कर रहे हैं वैसे सेम कॉन्करेंट कर लेंगे। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है, जैसे कि हमने यहां पे लिख दिया राम और यहां भी लिख दिया हमने राम, तो दोनों जो है मतलब कि अगर आप नॉर्मल इफ की फॉर्मा लगाते हैं, नॉर्मल लॉजिकल लगाते हैं, तो सिस्टम इन दोनों को एक ही मानता है, मतलब कि दोनों को वो समझता है कि दोनों इक्वल है, मतलब कि बराबर है।
मतलब कि बीवीए में हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, बीवीए जो है केस सेंसिटिव नहीं होता है। लेकिन अगर आपको कभी एक्सेल पे जरूरत पड़ गई, नहीं माफ कीजिए मैं बीवीए ने बोल दिया, मैं बोला कि एक्सेल में केस सेंसिटिव नहीं होता है, बीवीए में केस सेंसिटिव होता है, लेकिन एक्सेल में केस सेंसिटिव नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें जरूरत पड़ गई कि नहीं हम एग्जैक्ट मैच करना चाहते हैं, जस्ट लाइक पासवर्ड, पासवर्ड में एग्जैक्ट मैच होता है ना, उस तरह से एग्जैक्ट मैच करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हम इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करेंगे एग्जैक्ट फॉर्मूला। जी हाँ, एग्जैक्ट 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 में पहले को सिलेक्ट किया, दूसरे को सिलेक्ट किया, तो यहां पे फॉल्स है जब तक कि दोनों के दोनों वैल्यू जो है वो आपका कंप्लीट ना हो, एक सेम केस में ना हो, तब तक आपका जो है इसी तरह से शो करेगा। ठीक है सर? तो एग्जैक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। अब चलिए टेक्स्ट में देखते हैं और क्या क्या फॉर्मूला बच गया हमारा। हमने क्लीन कोड कंकरनेट डॉलर और एक फिक्स का फॉर्मूला, चलिए इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो डॉलर क्या करता है, मतलब जैसे कि हमने कुछ नंबर्स लिखे, तो कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इस पे हमारा कोई और फॉर्मेटिंग लग जाता है, जैसे डेट का फॉर्मेट लग गया तो डेट बन गया, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो हम जब इनवाइस क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जहां पे हमें नंबर शो करना है या प्रिंट आउट निकालना है या फिर पीडीएफ पे कन्वर्ट करना है, तो मैं चाहता हूं कि ऐसी चीजें कभी ना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम जो है नंबर को डॉलर में लिख देते हैं, तो डॉलर साइन आ जाता है। अगर डॉलर साइन चाहिए तो, नहीं चाहिए तो आप फिक्स में रख दीजिए, फिक्स्ड में, फिक्स्ड में उस नंबर को रख दीजिए, तो नंबर फिक्स रहेगा, इस पे किसी भी फॉर्मेटिंग का असर नहीं होगा। ठीक है सर? सर लेट सपोज मेरे पास एक वैल्यू है, ठीक है, वो बेसिकली डेट है, ठीक है, लेकिन वो डेट का जो वो जो नंबर डेट जो मेरे पास आती है वो ऐसे आती है 2016 1123। अब उसको मैं नॉर्मल इसको डेट फॉर्मेट में लाना चाहता हूँ, क्या मैं कैसे लाऊं, क्या आता है, मैं समझा नहीं, बताइए दोबारा। जैसे 2016 पहले ईयर आता है 2016, फिर मंथ आता है, फिर डेट आती है। ओके, जैसे आज का डेट है 2016 के बाद आज की डेट 24 तारीख है, तो 24 नहीं नहीं मंथ है, मंथ 11 है एंड 24 है, इस फॉर्मेट में होता है ना। ठीक है, अब इसको मैं कन्वर्ट कैसे करूं, मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हुई है। हाँ, आपने बोला आप इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, इसके लिए आपको जो है ना लेफ्ट राइट और मिड का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेफ्ट फॉर्मूले से क्या करेगा, लेफ्ट से 4 डिजिट को अलग करेगा, ठीक है, और राइट से जो है राइट से जो है वो अलग करेगा 2 डिजिट को, एंड अगेन मिड फॉर्मूला लगेगा जो कि अलग करेगा इसको 11 मतलब कि चौथा पांचवा से 2 कैरेक्टर। फिर आप इसमें डेट का फॉर्मूला लगा के कंबाइन कर दीजिए, ईयर मंथ एंड डे, ये आपका डेट। तो ये चीज मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में भी कर सकता हूँ, जैसे कोई टेक्स्ट है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेक्स्ट में भी कर सकते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, ठीक है,
लेकिन इसमें दिक्कत ये हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2016 और मान लिया महीना तीन है तीन और आपका तारीख दो है तो दो, तो यहाँ भी दिक्कत हो, तो इसको इस तरह से लिखा होना चाहिए था महीना 03 एंड 02, तो वर्क कर जाएगा। समझे? जी आगे। हाँ, तो इसलिए इसकी जो ये प्रॉब्लम थी मैं प्रॉब्लम पहले इसी से बता दिया आपको, ताकि आपको हर एंगल से वो पता चल जाए कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए या क्या दिक्कत हो सकता है इसमें। ओके। ठीक है, गुड आउट सर। नहीं सर, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें हमें लोअर मिड, हाँ एक और फॉर्मूला इसमें आता है, देख दो फॉर्मूले देख लीजिए और क्या क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पे सिंगल कोट लगा के कोई नंबर लिखा हुआ है, मतलब कि नंबर इन द टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक है, तो इसको नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो नंबर में कन्वर्ट करूंगा, तो नंबर में कन्वर्ट करने का दो तरीका है हमारे पास। पहला तरीका यह है कि हम इस पे प्लस जीरो या मल्टीप्लाई बाय वन कर दूं तो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कि फॉर्मूला के जरिए करना है, तो दूसरा फॉर्मूला जो है हमारे पास, दूसरा फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, वो है वैल्यू का, कि वैल्यू के मदद से भी आप इसको कर सकते हैं, इक्वल वैल्यू, वैल्यू इसको सेलेक्ट कीजिए, तो वैल्यू से भी इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। अब एक टेक्स्ट की बात आती है, तो हमारे पास कुछ एक कॉलम है जिसमें डेट भी लिखा है, नंबर भी लिखा है और टेक्स्ट भी लिखा है। मैं चाहता हूं नंबर को अलग करना और टेक्स्ट को अलग करना, तो उसके लिए हमारे पास टी का फॉर्मूला होता है। टी फॉर्मूला क्या करता है, टेक्स्ट को ब्लैंक कर देता है एंड नंबर को शो करता है। ठीक है सर? लेकिन अगर मान लो जैसे नंबर को शो करना है तो एन का फॉर्मूला था, टी फॉर टेक्स्ट एन फॉर नंबर, दो फॉर्मूले यहां पे आपके पास होते हैं, जो कि नंबर को जीरो, टेक्स्ट को रख, नंबर को रखता है और नंबर को जीरो कर देता है। ठीक है सर? कुछ आउट इसमें? नहीं जी, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़े। अब एक फॉर्मूला है रैप का, अब इसको ध्यान से देखिएगा रैप फॉर्मूला को, तो इस पे होमवर्क है आपका। रैप फॉर्मूला क्या करता है, वो रिपीट करता है, रिपीट मतलब कि मान लीजिए कि हमने कोई एक लेटर को बोला 5 टाइम रिपीट कर दे, तो वो 5 टाइम रिपीट कर देगा। तो रिपीट का फॉर्मूला क्या करता है, रिपीट करता है इसको कि कितना बार वो टेक्स्ट, पर्टिकुलर टेक्स्ट आएगा वो उसको रिपीट कर देता है। ठीक है सर?
तो अब आपको क्या, अब इसका ऑफिशियल एग्जांपल तो आपने ऑफिशियल यूज तो आपको नहीं पता चल रहा है कि इसका आखिर में हम यूज क्या करेंगे। तो इसलिए हमने आपको बोला कि आप जो है मुझे इसके आप रिसर्च कीजिए कि इस एक्चुअल में इसका क्या होना चाहिए, ठीक है, कि इसका ऑफिशियल यूज क्या होना चाहिए। तो आज का आपके पास होमवर्क यही रहा कि आप मुझे इस पे रिसर्च करके बताएंगे इसका ऑफिशियल यूज क्या है। ठीक है सर, ठीक है, ये सिर्फ रिपीट वाले को पता। हाँ रिपीट का, रिपीट क्या होता है? तो इसको रिसर्च कीजिए, फिर हम कल मिलते हैं सेम टाइम।